आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगर कुत्ता कपड़े से टच हो जाए तो क्या सिर्फ उस हिस्से को धोना काफ़ी होगा? यानी कुत्ते ने अगर कपड़े के किसी हिस्से को टच कर दिया, छू गया, तो क्या सिर्फ कपड़े का वो हिस्सा धुलना है या पूरा कपड़ा धुलना पड़ेगा? बल्कि बाज़ लोग तो ये भी समझते हैं कि न सिर्फ कपड़ा धुलना पड़ेगा बल्कि नए सिरे से नहाना पड़ेगा। तो देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, कुत्ता के छूने से पूरा जिस्म नापाक नहीं होता, ना पूरा कपड़ा नापाक होता है, बल्कि जिस हिस्से को कुत्ता छू रहा है वो हिस्सा मुतासिर हो सकता है, लेकिन उसकी भी कई शक्लें होती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कुत्ते का जिस्म, उसका बाल सिर्फ लगा है कपड़े पे और वो कुत्ता सूखा हुआ है, यानी वो भीगा हुआ नहीं है, कोई ऐसी गंदगी नहीं है कुत्ते के जिस्म पर जो बाकायदा आपके कपड़े में लग जाए, तो इस सूरत में बहुत सारे अहले इल्म ने लिखा है कि उसको धुलना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि कोई गंदगी अभी मुंतकिल नहीं हुई है। तो इस तरह से अगर कुत्ते के जिस्म से लग जाए किसी कपड़ा, तो वो कुत्ता सूखा हुआ है तो फिर वो हिस्सा, जिस्म का जो हिस्सा, कपड़े का जो हिस्सा लगा, उसको धुलने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुत्ता भीगा हुआ है, उसके जिस्म पर ऐसी गंदगी है कि वहाँ से अगर कपड़ा टच हुआ तो वो गंदगी कपड़े तक मुंतकिल होगी, तो कपड़ा धुलना ज़रूरी है, कपड़े को साफ़ करना ज़रूरी है। यहाँ पर एक और मसला ये है कि कुत्ते का अगर जिस्म कपड़े से टच हुआ तो वो अलग मामला है, और कुत्ते का लुआब, उसका मुँह, उसकी ज़बान अगर कपड़े से टच हुई, यानी कपड़ा मुँह में ले लिया या कोई चीज़ ले लिया, तो इसका मसला अलग है। अगर कुत्ते का जिस्म कपड़े से लगा है तो अगर साफ़ सुथरा है उसका जिस्म तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका जिस्म गंदा है तो वो चीज़ आपको धुलनी पड़ेगी। लेकिन कैसे धुलना है, तो ये ऐसे ही धुलना जैसे आप आम चीज़ें, आम गंदगी साफ़ करते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कोई लुआब से, मुँह से कुत्ता किसी को छूता है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी ज़बान भीगी होती है, उसका मुँह गंदा होता है, तो उस गंदे मुँह से अगर छुएगा तो फिर उसको तो धुलना ज़रूरी है, उसको आपको साफ़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी कुछ उलमा कहते हैं कि उसको 7 मरतबा धुलना पड़ेगा। जैसे एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि कुत्ता किसी बर्तन में मुँह डाल दे तो उस बर्तन को 7 मरतबा धुलना पड़ेगा, 1 मरतबा मिट्टी से धुलना है। तो इस हदीस की बुनियाद पर बाज़ अहले इल्म ने, मसलन हनाबला ने ये कहा है कि अगर कुत्ता किसी को मुँह लगा देता, बल्कि बाद ने यह भी कह दिया कि अगर छू ही दे अपने जिस्म से, तो भी उसको 7 मरतबा धुलना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे अहले इल्म ने इस चीज़ को सिर्फ ज़बान से छूने पर मामूल किया है कि अगर कुत्ता ज़बान से छूता है तो फिर उसको 7 मरतबा धुलना चाहिए, जैसे कुत्ता बर्तन को छू लेता है तो 7 मरतबा धुलना चाहिए, 1 मरतबा मिट्टी से। ऐसे कुत्ता ज़बान से किसी को छू लेता है, कपड़ा मुंह में ले लेता है, तो उसको भी 7 मरतबा धुलना चाहिए, 1 मरतबा मिट्टी से धुलना चाहिए। तो ये जवाब है आपके सवाल का। असल में कुत्ते के छूने की अलग अलग शक्लें होती हैं, उस हिसाब से अलग अलग उसका जवाब होगा। ऐसे नॉर्मल कुत्ते का जिस्म अगर जिस्म में लग गया है या कपड़े में लग गया है, कुत्ता साफ़ सुथरा है, भीगा हुआ नहीं, तो उसको धुलने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर भीगा हुआ है तो वो चीज़ धुल लेना चाहिए। लेकिन अगर कुत्ते का मुँह लग रहा है, उसकी ज़बान लग रही है, तो उसकी कैफियत बदल जाती है, जो मैंने आपके सामने वाजे किया। उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा।